नमस्कार, लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर ओम प्रकाश धनखड़ है, फिलहाल कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। हालांकि दूसरे रास्ते से उनको लेकर आया गया है, यहां पर कार्यक्रम जो है यहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल लाइव तस्वीरें आप सिटी तालका के माध्यम से देख पा रहे हैं जहां पर ओम प्रकाश धनखड़ है, यहाँ पर पहुँचे हैं SDVM स्कूल के अंदर। लगातार किसानों के विरोध के बीच भाई से भी पुलिस को नहीं पकड़ता, लेकिन पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। जवान और किसान को आमने सामने कर देते हैं। एक पानीपत के, इसका मतलब पानीपत के किसान है वो सराफत से है कि वो गांव से नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि पानीपत में कोई किसान बसता ही नहीं। इन्होंने जानबूझ के ये पानीपत को ऐसा शहर बना दिया कि हमेशा ही किसान और जवान को आमने सामने कर देते हैं। जिस तरह इन्होंने कल से, अब ये देखो कि अगर इतना ही इनके अंदर वो थी तो इधर से क्यों नहीं लेके आए, वो रास्ता रोक के दूसरी तरफ से क्यों आए। एक तरफ आपने बयान सुना होगा, एक भाजपा की एक टिकटॉक स्टार, एक नेत्री का, उसका नाम भी लेना मैं उचित नहीं समझती, उन्होंने कहा था कि हिसार में दुष्यंत चौटाला जी आए प्रोग्राम करके चले गए और तुमने उसका क्या उखाड़ लिया। आज उसको इसके मुंह पर ये तमाशा मारा है कि उसी के प्रोग्राम और गेट के अंदर जाके विरोध कर दिया। हम उसकी तरह उखाड़ तो नहीं सकते, लेकिन जिस तरह हम उसका विरोध कर सके, चाहे काले झंडे दिखा के किया, चाहे हमने अपनी बातों से किया, चाहे हमने नारे लगा के किया, हमने जिस तरीके से करना था उस तरीके से उसका विरोध किया। और उसके कहते हो तो उसके अंदर जाके दिखाऊं और अंदर जाके विरोध करके दिखाऊं, क्योंकि इन्होंने हमें चैलेंज किया था कि आप आके क्या उखाड़ लिया, क्या कर लिया। वो उधर से आए, यहाँ किसान बैठे थे। जी, आपको निमंत्रण दिया गया था पहले, मेरे को बुलाया गया था। इस तरीके से मैं किसान की पुत्री हूँ, मैंने उस तरीके से स्वागत किया। ये फूलों से स्वागत करना चाहते थे तो मैंने काले झंडे से कर दिया स्वागत। मैंने भी किया स्वागत, उन्होंने भी किया, थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ। इनके अंदर किसान का दर्द नहीं है, ये किसान के दर्द को नहीं समझ सकते। ये सबसे गंदी सरकार है और जानबूझ के हमारे यहाँ के नेता सबसे गंदे हैं, क्योंकि वो जानबूझ के किसान और जवान को आमने सामने करके उनको भिड़वाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा ना करें कि ये गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा, इतने जवानों को गाँव में लेके पहुँच जाएंगे क्या ये। आप अंदर गए थे या पुलिस द्वारा रोका गया? वहाँ पुलिस द्वारा महिला पुलिस ने हाथ पकड़ के खड़े कर रखा था और महिला पुलिस ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मैं अंदर जा रही थी। तो पुरजोर तरीके से आपने विरोध किया? जितना भी हम कर सकते हैं, हम पिछले 4 महीने से शांतिपूर्वक बैठे हैं, लेकिन हमारे को बार बार में उकसाया जा रहा है। कोई हमारे दर्द पे नमक छिड़क रहा है, कोई आके बयान देता तुमने क्या कर लिया, कोई आके बयान देता तुमने क्या कर लिया, तो हम इससे आगे क्या कर सकते हैं। इनके सिर तो हम फोड़ नहीं सकते, ये तो हम नहीं कर सकते। हम सोनाली फोगाट तो नहीं है किसी का लेके चप्पल लेके उसका सिर फोड़ देंगे, वो तो हम नहीं कर सकते। इतनी इंसानियत तो है कि हम किसी मर्द को गाली नहीं दे सकते या किसी मर्द को के ऊपर हम हाथ नहीं उठा सकते, वो तो हम नहीं कर सकते। लेकिन जो पुलिस के द्वारा एक रणनीति बना करके यहाँ पर पहुंचे हैं, लगातार किसानों का विरोध है जो जारी है और अभी भी कार्यक्रम है। BJP का स्थापना दिवस है, देख के चलो, कुछ कांग्रेसी खड़े और कोई नहीं। अच्छा, किसानों की ओट में लुक के आते हैं, सीधे आने की हिम्मत नहीं, अपना झंडा ले आने की हिम्मत नहीं कांग्रेसियों की। अच्छा, कांग्रेसियों में हिम्मत है तो अपने झंडे से आए। फिलहाल लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं जहाँ पर ओम प्रकाश धनखड़ है, वो पहुँचे हैं और लगातार हम आपको सिटी तालका के माध्यम से खबर दिखा रहे हैं। हमारे मध्य में